Please subscribe and press the bell icon to never miss any update from my channel. Guys, and welcome back to my channel and welcome back to another video. So like every other video, this is not a planned vlog, this is a random vlog. And bahut log mujhe comment kar rahe hain, not YouTube, some other social platform, ki main har roz chicken ya fish kyun khati hu. So for them, main har Sunday vlog banati hu. So in Bengali's kitchen, har Sunday chicken na ho to नहीं होता है, तो इसीलिए फॉर देम आई मेक स्पेशली व्लॉग्स में संडे को बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं संडे को ही चिकन वगैरह खाती हूँ. सो आई हैव वर्क्ड अप, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, एवरीथिंग, माय एक्सरसाइज, माय स्किन केयर रूटीन मैंने नहा लिया है. सो माय फेवरेट प्लेस इज किचन, तो मैं अभी सीधा किचन में जाऊँगी एंड आई विल मेक समथिंग स्पेशल टुडे, क्योंकि आज संडे है. एंड या आई वांट टू शेयर विद यू ऑल. So let's go to my favorite place, that's kitchen. बाजार वगैरह नहीं बैठा रही, फाइनली हमारा 14 डेज ऑफ क्वारंटीन ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए सारा बैरिकेड खोल दिया गया है. आज हरियाली चिकन बनाऊंगी, इसीलिए रुपम ये तो धनिया लाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ये धनिया भी नसीब नहीं हो रहा था. तो मैंने सोचा था कि इसे स्पिनिच से बनाऊंगी, लेकिन स्पिनिच अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आई विल मेक इट विद द धनिया. एंड ऑफकोर्स मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी. तो चलिए बिना किसी देरी के बना लेते हैं हमारा आज का लंच. सो गाइज, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिकन का सारा कुछ रेडी कर दिया है, तो इसमें धनिया मैंने डाला है, फिर मैंने डाला है इसमें दही, फिर प्याज, मिर्च और टमाटर, तो इसको मैं अभी मिक्सी में पीस लूँगी, तो ये हमारा ग्रेवी के लिए रेडी हो जाएगा. मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था, तो इसमें मैंने नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, फिर चिकन मसाला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था हाफ एन आवर के लिए. तो अब मैं इसको कुक करूँगी. एक घंटे से पक रहा है, तो लेट्स सी क्या हाल है. वाओ, एंड बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें से. आहा, क्या खुशबू आ रही है, मतलब आई कांट टेल यू दैट. इस बटर को मेल्ट होने देंगे, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है बीच में से, एंड ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट इसको ढक के पकाएंगे. And then my chicken will be ready. Mm-hmm.
जॉब जिसे बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो मैं कितना बना पाऊंगी बिकॉज आई विल बी ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो लेट्स सी, तो उसके लिए मैं अंडे अभी बॉयल पे डालूंगी एंड लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है. ऑल्सो मैंने रेसिपीज देखी भी है यूट्यूब में बहुत सारी. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम. लेकिन उसके लिए अभी से मुझे सारा कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, जैसे कि आलू हो गया, फिर अंडे उबाल के रखना होगा, ब्रेड क्रम्स मैंने पहले ही रेडी करके रख दिया. तो चलिए वो भी कर. शाम को हम लोग डीमेट डेविल खाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन मुझे अभी से ही करना है क्योंकि बहुत लंबा प्रिपरेशन है. तो सबसे पहले मैं बॉयल्ड आलू में मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला, फिर जीरा पाउडर डाला और फिर अभी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ. फिर मैं इसमें डाल रही हूँ भुना मसाला जो कि सूखी लाल मिर्च एंड जीरा से बनता है. फिर मैंने डाला चाट मसाला एंड मैंने ऐड किया थोड़ा सा ग्रीन चिलीज एंड इन सबको मुझे अच्छे से मैश कर लेना है क्योंकि ये जो है अंडे के ऊपर कोट होगा. बाद मैं अंडे को ऐसे बीच में से काट ले रही हूँ और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक एंड देन जो हमने मैश तैयार किया है आलू का उसको हमें भून लेना है. तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो है सरसों का तेल डाला है, फिर मैं डाल रही हूँ अनियन, फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर मैं इसमें जो आलू हमने मैश किया है वो मैं डाल दूंगी. 2 से 3 मिनट हमें इसे भूनना है क्योंकि इसे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है. तो आप इसको भून लीजिए अच्छी तरह से एंड देन ये हमारा जो कोटिंग है तैयार है. तो फिर मैंने जो डिप है अंडा जो हमें डिप करना है तो उसके लिए मैंने एक अंडा तोड़ के मैंने डिप रेडी कर लिया था. उसके बाद मैं एक हाफ अंडे का जो आलू से कोटिंग कर रही हूँ एक अंडे का शेप दे रही हूँ. तो ये देखिए तैयार है. तो इसको मैं अंडे का जो डिप है वो तैयार किया था तो उसमें डाल के फिर मैं ब्रेड क्रम से कोट कर दूंगी और फिर ये हमारा डीमे डेविल या फिर डीमे चॉप तैयार है. तो इसको हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है 4 to 5 hours. सो गाइस 12 से लगभग 12 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, लाइक खाना बनाना, बर्तन वगैरह धोना, एवरीथिंग इज मतलब कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद मैं 1 घंटा लाइक 1 बजे मैं लंच करती हूँ, तो 1 घंटा मैं अपना काम करती हूँ जैसे कि एडिटिंग करना हो गया या फिर मेल्स चेक करना या फिर सोशल मीडिया का कोई भी काम करना, तो वो ही मैं अभी कर रही हूँ. सो अभी वी हैव अ पेज ऑन फेसबुक, इफ़ यू टू फॉलो मी ऑन फेसबुक यू कैन फॉलो देयर, ब्लिंकिंग बॉन्ग से है. तो वहाँ पर आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट मिल जाएंगे. So if you want to follow, you can follow me there. So अभी मैं ये काम कर लेती हूँ. Before having lunch, मैं अपना थोड़ा editing का काम कर लेती हूँ. शाम हो गई है एंड जैसे कि मैंने सुबह को प्रिपेयर करके रखा हुआ था सब कुछ, तो अभी सिर्फ तलना है और खाना है एंड लेट्स सी कैसा बना है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसा बना है वो. एक बार ट्राई करेंगे, खाएंगे देन एंड ही विल ऑल्सो ट्राई इट एंड तो चलिए शाम का स्नैक्स रेडी कर लेते हैं. सो गाइस फ्रिज से मैंने अभी इसे निकाला है एंड सी ये बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो गया है. तो फ्रिज में आप रखे तो ही ये सेट होगा वरना नहीं होगा. तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं.
हस्बैंड को पूछते हैं कैसा लगा। हेलो, अच्छा लगा। पहली बार ट्राई किया था तो नेक्स्ट हमें क्या ट्राई करना चाहिए? कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। जलेबी। हाँ, गाइज। सो अभी बिग बास्केट से हमने जो ऑर्डर किया था वो सारा कुछ सामान आ गया है। कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, कुछ दिनों से हमें स्लॉट नहीं मिल रहा था, वही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फाइनली आई गॉट इट एंड आई हैव ब्राउन राइस। सो मैं ब्राउन राइस खाती हूँ तो मुझे ब्राउन राइस मिल नहीं रहा था, तो फाइनली आई गॉट इट। सो गाइज, बिग बास्केट से तो हमारा पार्सल, हमारा सामान आ गया। कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली, यहाँ पे दुकान से ट्राई करेंगे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि दुकान खुल नहीं रहा है। मतलब ऐसा ही हो गया है कि दुकान हम लोग उस दिन हम लोगों ने फ़ोन किया था, मतलब रुपम ने थोड़ा सा क्वेरी किया था, तो बोले कि आप लिस्ट देके जाओ फिर हम लोग देखेंगे, सो फलाना ढंगा ये सब बोला था। तो उतना तो हम वेट नहीं कर सकते कि ज़रूरत का जो सामान है वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए हमने बिग बास्केट से हम लोग लास्ट मंथ से ट्राई कर रहे हैं एंड फाइनली उस दिन हम लोग मेट्रो कैश एंड कैरी में भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भी एक हालत है, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। तो उस दिन हमने मतलब अचानक से हमें स्लॉट मिल गया, तो इसीलिए हमने जल्दी से बुक कर दिया और विद इन टू डेज डिलीवरी भी आ गया। तो अभी मुश्किल के समय में ऐसा तो चलता ही रहेगा, कुछ करना नहीं है, क्या कर सकते हैं, ऐसी ही ज़िंदगी है। एंड ये महीना तो मुझे लगता है पूरा ही स्ट्रेच होगा। सबसे ख़राब बात ये लगता है कि बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन मम्मी की बहुत याद आती है आजकल, तो जाना नहीं हो रहा। बहुत दिन, बहुत लास्ट शायद मेरे बर्थडे पे मुलाकात हुआ था सबसे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुआ है, तो वो ही मुझे बहुत दुख होता है कि आई वांट टू मीट माय मॉम एंड डैड। तो क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं बहुत जल्दी ये सब नॉर्मल हो जाए, दैट्स इट। तो गाइस, मुझे तो अभी ये सारा कुछ सामान किचन में अरेंज करना है, तो मैं चलती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, एंड अगर अच्छी लगी है डेफिनेटली आप लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो टिल देन बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, बी एट होम एंड बी सेफ। टिल देन इट्स मी ब्लिंकिंग बॉन्ग साइनिंग ऑफ।